붙어 주지 않아요. 아, 돈. 어서. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन असा इस वे जाने पे पड़कास रोड पर यूनियन कौंसल ब्राटला रोड पर ये रोड नहीं तो हाल तक इतों बिल्कुल पट्टी हुई है इतों इब्तदा आया और असाने जनाब राजा मख्तार साहब उन्होंने कोशिश शुरू की थी और इंशाल्लाह इसकी पूरी की कंप्लीट कर सकते हैं। रोड नहीं हालत सो तको बहुत खराब रोड है ठीक हो। और मैं राजा मख्तार साहब ने पूरी टीम ने मैं शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने इनिशिएटिव किया। ये हुकूमता ने काम है लेकिन अवाम ने भी कोई जिम्मेदारी है। अवाम अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके ना पूरी करे तो हुकूमता भी तवज्जो देसन इंशाल्लाह। और ये सो तक ही सकने कि हालत जी इतों बिगनिंग है शुरू बिच लेकिन हालत बहुत खराब है बहुत हालत खराब है हालत कोई नी त्रुटी जानी गड्डिया ए जनाब सीमेंट बजरी मंगाया वा और इंशाल्लाह इस पर काम शुरू हो ही रहा है। राजा मख्तार साहब ने और पूरी यूनियन कौंसल ब्राटला में शुक्रिया अदा करना कि अवाम की बेहतरी वक्त कोशिश जारी रहने और ये कोशिशा उन्होंने जी अल्लाह ताला उन्होंने की सलामत रखा है सारे बंदे की और इन्होंने कोशिशा की असा एप्रीशिएट करने हैं। ये जनाब ओ तको काग बैठे परिंदे भी जो इतना इंजॉय करी रहे इस मौसम की। हल्की जी बारिश है लेकिन इस चिकड़ी सा बनी गया कि अही ना कई अरसों तो रोड जी है ना पट्टी चवटी भी है। और गड्डिया तो आने गड्डिया क्या करन ये महकमा जंगलात आले ने ये जंगलात है बूटे शूटे लगे लेकिन गल है कि चीड़ा की तक आग लगनी है ये खूबसूरती है ये जी खूबसूरती है आग जी बिल्कुल खत्म करी छोड़नी है। ये मैं वीडियो इस बारे बिगनिंग बनाना ताकि तुम रोड ना पता लगा कि कितनी माड़ी रोड है और इस पर मेन रोड है जी यूनियन कौंसल ब्राटला जानी है सिंगल रोड है लेकिन ये इसकी जरा ना बिल्कुल पक्या भी होना चाहिए ना और इसकी जरा ना मामला मोटरसाइकिल वाले भाई और जाई रहे माशाल्लाह जी इतने कुछ बंदे खोखा भी रखे है। असा उस जगह जुस्सा नाजरीन जिथे सड़क का कम हो ही रहा है और चुंगी है खोखा एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कारपोरेशन मीर चढ़ोई इख्तिताम अदूद इख्तिताम हो गया इस तो क्या उन्होंने यूनियन कौंसल ब्राटला शुरू हो गई है ना तो बहुत बड़े यूनियन कौंसल फलाना लेकिन इसने नाजरीन वजह है कि जो अस नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं उनकी आपू तालीम कोई नहीं उनकी आपू उनकी कोई नहीं पता हालत कोई ना सड़क है यह इलाका केणी शेराबाद केणी पाइया ये बड़ा खूबसूरत इलाका है और इतने बड़े बड़े मशहूर बंदे हैं टीचर असल जनाब दोस्त जनाब राजा ताज साहब ना भी इस ग्रां ना तलक है और नाजरीन ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत और इस पास ऊपर तारिक भट्ट साहब ने कार माशाल्लाह और ये मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई है वेरी नाइस। ये केणी पाइया जनाब असने जो तारिक भट्ट साहब है उन्होंने मैं दिल्ली थक रहे शुक्रिया अदा करना कि वो हर कम कार्यकारी अपना हिस्सा बने और ये
रोड रोड भी घर को जी बनाई है और उस तो बाद जनाब यूनियन कौंसल बराटला भी बड़ा अहम करदार अदा किया पैसा दिता है बहुत ज्यादा कि एक कार खैर उन्होंने जरा हिस्सा है इस वास्ते फखर ये उन्होंने घर है जनाब राजा सारी तारक भट्ट साहब ने घर है जनाब ए सामने बिल्कुल और मस्जिद भी इतना ही खूबसूरत मस्जिद बनाई है ये कैनी पहिया ना इलाका जी और ये कैनी वाली सड़क है अगर जनाब तुम दसा कि इतों की जरा कार नज़र आ ही रहा वो जनाब तारक भट्ट साहब ना नज़र आ ही रहा तो बड़ा ब्यूटीफुल खूबसूरत व्यू है नीचे जी जामिया मस्जिद आई थिंक कैनी जामिया मस्जिद जितने असने हाफज तारक साहब भी चावले ने पढ़ाने रे अमामत करने रे और पारला इलाका जरा बलेरीन इलाका है सरदार साहब ने इंशाल्लाह मुलाकात भी कर सकते वैदर भी वेरी नाइस है इस वैदर की जी वीडियो है ना बड़ी परफेक्ट वीडियो बननी है अच्छा ये जरा कार है ये अपने ताज साहब ना राइट इसने वकील है जनाब राजा ताज साहब ये उन्होंने कार है और इस कैनी ने जी बड़ी अहम और इंतई पुरवकार शख्सियत है इन्होंने घर नहीं सुख की वीडियो दसा इन्होंने को विजिट करा लेकिन आई थिंक कोई शायद राजा साहब इधर ना हो लेकिन इंशाल्लाह फिर मुलाकात उसी राजा स्पेशली वालेकुम नाजरीन ये जी नवी रोड जी यूनियन कौंसल बराटला ने बंदियां बनाई है ये हुकूमती रोड नहीं है बंदियां जी बनाई है इस पर असं चढ़ी गया यह जनाब टोटा बड़ा खूबसूरत उन्होंने बनाया है और इस तू अगर जरा ये अजा रोड ये बंद सी और जो मुश्किल जगह से उन्हें कंप्लीट की और जरा उस गड्डी भी आराम ना चढ़नी है और उस तू अगे जरा वो शुरू सी जगह ने कहना है जी रमोठा है एक नहीं है रमोठा कुछ शुरू होना है या जो कैनी ने कार है वो अगर एक मस्जिद भी है और ये बड़ा खूबसूरत एरिया है ये जी है ना ये तुम्हें नजर नहीं है रोड ये जंग कंप्लीट नहीं हुई लेकिन एक टोटल कितने किलोमीटर सारक है 8-10 किलोमीटर आई थी मुड़ी चाहिए ये जरा ना इस रोड पर पहली दफा जरा ना ये सफर करे गए गड्डी भी आराम नाल चलाने ताकि रास्ते का नहीं पता ए नाजरीन इतों अगू रोड शुरू हो सी है जहाँ पिछु स्टिल कच्ची रोड है और ये जो फर्स्ट फेज जो मुश्किल जगह सन वो कंप्लीट की ने और इतों रोड जी ना वो शुरू हुई है ये हूँ नाजरीन तुम तक कितना आई थिंक साल 1.5 साल हो गया रोड बनते हैं और वेरी नाइस खूबसूरत रोड बनती है और ये बड़ी परफेक्ट रोड और जरा PWD नी जी रिक्वायरमेंट है वो इस रोड पूरी की थी तक सकने घट लाए घट पैसे और जी हुकूमत ठेका होना उस बहुत घट ही ना लाए ये असं जनाब राजा मुख्तार साहब ने शुक्रिया अदा करने पूरी यूनियन कौंसल का शुक्रिया अदा करना के कर रहे हैं कि ये तुसा इस कार्य खैर अपना अपना किरदार अदा किया और इन्होंने साइडा पर जी है ना सीमेंट बया है ताकि वह अगर जो खर्च हो तो पहले हाँ स्टार्ट होनी है जी नाल नाली है वह भी निकलनी चाहिए इतने लोग जो ना जिस तरह घरों को जानी वो नालिया शालियाँ बनानी चाहिए ताकि सड़कें पानी ना जाए और गीटा ना निकले तो वो जनाब बड़ा परफेक्ट काम होया है इस तो अगर फिर शुरू हो सी तो कच्ची रोड पर जो चाहे ना अस पता लगना जी कि लेकिन जी अपनी कदर पैनी है हाँ अपनी मदद आपने तहत जी बनती है तुम तक सकने वेरी खूबसूरत सड़क बनती है और वेरी नाइस इन्होंने लोगों ने जी है ना ये बहुत खुशकिस्मती है कि राजा मुख्तार साहब जैसे लोग इस राजा जुल्फकार साहब जैसे लोग जफीर साहब जैसे लोग इस यूनियन कौंसल में और इस लोगों ने मदद करी रहे खिदमत करी रहे इतों तक बहुत खूबसूरत व्यू है इतों ये रोड बिल्कुल कुदरू जरा पटर भी नहीं हुई और इन परफेक्ट जो ना वो सीमेंट शिमट हर चीज़ पूरी उस लिहाज नाल बाई है कि रोड खराब ना हो
ये जनाब इतना सदाम करियाना जनरल स्टोर है, असद चिकन शॉप है, ये बच्चे स्कूला ने जेड़े ने जाइए रमोठे च असं पहुंचे आए। और रमोठे की रोड जी बनती है ना सर जी, ये मैं समझना कि तकरीबन 20 साल बनी हुई है रोड। ये रोड इतनी परफेक्ट बनती है कि 20 साल इस रोड की कुछ भी नहीं होना, और ये लोगों की मदद नाल बनती है। स्पेशली अमरीका, इंग्लैंड, यूरोपियन मुल्क जो असने दोस्त भरा उन्होंने मदद की है और ये बनती है रोड। और इस राजा मुख्तार साहब ने पूरी फैमिली ने बड़ा अहम किरदार है, राजा इश्तियाक साहब, सिकंदर याद साहब, बाकी भी जितने अहबाब है उन्होंने सब बड़ा अहम किरदार है। और मैं समझना कि इस इलाके ने लोगों ने भी जिन्हें इस कार खैर अपना अपना काम किया है, अपनी आवाज़ उठाई है। शफीक भट्ट साहब ना शुक्रिया जी, और तारक भट्ट साहब ना स्पेशली केनी थू इन्होंने शुक्रिया। उस तो बाद जनाब सजाद भट्ट साहब जिन्होंने बड़ी उन्होंने ट्रालियां भी दीतियां, उन्होंने काम भी कराया और उन्होंने बड़ा शुक्रिया। उस तो बाद इंग्लैंड जेडे असाने जनाब मास्टर जावेद साहब है उन्होंने शुक्रिया। उस तो बाद आसफ साहब जेडे जियो ये सब्जी फ्रूट वाली गड्डी गुजरी है तो तुम उन्होंने आवाज़ ही सुनी उसी ये जनाब आसफ जहांगीर साहब ना आसफ आसफ मुगल साहब और प्रकाश वाले जेडे आसफ साहब है उन्होंने भी शुक्रिया। ये मस्जिद इतना ही खूबसूरत मस्जिद है, व्यू दस रहे हैं। और उस तो बाद ये रोड पूरी जी बनती है, एक दफा बनती है ये रोड और कई साल गुजरे सब नालों बड़ी गल ऐसी उन्होंने साइडा भी बनाइया उसे सीमेंट बनाया। गवर्नमेंट जो प्रॉपर तरीके ने काम नहीं करनी, इस वजह रोड दुए दरा पट्टन जानी है, साइडा प्रॉपर थकी सकने हो। इतों की इस बारे दसें कि तुमने पैसा सही हक हलाल जगह लगाया और बंदे जितनी जिम्मेदारी पैसा लाया है एक खराज तहसील ने मुस्तैक है। अच्छा इस इलाके ना रमोठा है राइट, ये सेंस है ये असा इस जनाब सेंस है मौजूद हाँ। देखो तुस लोग जो अपने करानी खूबसूरत बनाने होना कि लेकिन उस वास्ते रोड जी है ना वो इतना ही जरूरी है। ये बड़ी प्यारी रोड बनती है और इस सेंस ना बाजार भी असं शामिल होइए है, उपर वेरी नाइस हाउस बनते हैं ये ना बच्चों की स्कूलों छुट्टी हुई है और बच्चे जाई रहे कार करे। रोड सेफ्टी कोई नहीं, बच्चे ने वॉक करने नहीं जगह कोई नहीं, लेकिन यह है कि इंतहाई जो जरूरी है। स्कूलों की हालत भी तक शर्मिंदगी होनी है, लेकिन अस हूँ क्या करी सकने, ये कोशिश करी सकने कि कोई लोगों की जी हालत बेहतर होवे। ये रोड पड़कास नहीं सर जी, और अगर मस्जिद है पड़कास नहीं है नीचे इतने पड़कास है ना कि सेंस आया ही पड़कास कुछ रोड जानी है मस्जिद सदीक अकबर कोल पहुंचे जनाब, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, बहुत पुरानी थे नमाज नमाज पढ़ने रहे। ये टैंकी है इतना पानी ना जरा इतना होनी सी पहले बावली होनी सी दुकान है इधर कब्रिस्तान है और इधर भी सड़क की जी हालत है। जरा ऐसा कोशिश करी इंशाल्लाह असा सारे उस चेतावन भी कर सन और लोगों की बेहतरी वास्ते जरा कम है उसने भी एप्रीशिएट भी कर सन। दिल खुश होना जो कोई पैसा कुछ ना किसी सही जगह पर लगना, और जो इतना सियासत बहुत है इतना बंदे जरा ना सोचें कि फलाना बंदा अगे होया उस जी फलान जाए लाए अच्छा प्रकास कड़े पासो टलना है इतना दुकाना जनाब इतना हम तक हो गया दुकाना ना पानी भी है बंदे जो ना सड़क पर लाई होने इतना पानी इतना ज्यादा है लेकिन इतना इतने बंदे ये नहीं कि उतो चाहे मिट्टी तो वह बाई करो उसकी और सामने बोर्ड लगे जनाब प्रकाश रोड राजा इफ्तिखार साहब राजा मुख्तार साहब जैसा राजा मुख्तार साहब ने कारना विजिट भी करता है।
उन्होंने कराया पास नीचे पंखा साले पास रोड जाने मेन रोड है उसकी हालत बहुत खराब है। मैं कि उनकी काफ़ी बेहतरी की है। ये जरा स्कूल है वो देखो बच्चे डेस्कों पर बैठे स्कूल है। हाँ पहले फर्श भी छे और बड़ा मुश्किल जो है वो आराम से रोड नीचे फरखा साले पास रोड है वो जाते हैं। ये इस वीडियो बनाने का मकसद है कि लोगों को मेरे बाहर पता लगा कि इतने इलाके में क्या क्या मुश्किल आ रही है। उन्होंने कार भी दर्शन सुखी और एक्चुअली ये कार है राइट ये गाड़ा लिया हुआ मंजे पर माल भी रखा कुत्ता ही था ना जी मिस करने होने पूरी कोठी ने विजिट कराना रोड जी जी प्रकाश को अगर जी उपर चढ़ी जानी है ये उपला लम्बन जो एक निटी ना लम्बन है ये इस पास है और ये राजा मुख्तार साहब ने कार अज पूरे दिहाड़ उन्होंने ना किया और इन्होंने राजा मुख्तार साहब ने बुजुर्ग जो इतने कौंसल मुंतखब हुए जुल्फकार साहब उन्होंने भी इंशाल्लाह गलबात होगी आए असम लेकिन असम बात नहीं हुई सकी उपर जान ब्राट लाया ब्राट में लाता है भी तो सारा जाने विजिट करा सा उम्मीद है कि जनाब वीडियो ये असा ने जनाब राजा मुख्तार साहब है उन्होंने बुजुर्ग है असने वीडियो बनाओ गए करने की भी मुलाकात हुई है मुख्तार साहब ने वालदा नाल इश्तियाक नाल गप छप है सिकंदर नाल गप छप है बड़ा चंगा लगा जिस सोना मकान भी बनाया तो तू अच्छा हूँ उधर क्यों नाश है बस बस जब हर कदर नहीं दे रहा ना जाने मैं चंगा इतना तो सही जो ना ठीक हो मैं लिया तो मकसद का अल्लाह पूरा किता हुई है हम कैसे कम के कर कर लिया तक नहीं सकता हां ये गलत नहीं था चलो ग्राम चेक कर फिर क्या नाला है वो तो जवाना बने ना मुल्क है ये कम करने हो तो कम कर मैं 12 साल किता कम साल में छपी गए लेकिन वो यहां उसके बाद फिर नहीं दिल जमया वक्त क्वींस रहे हो हैं जब पे मुख्तार और सारा उतर रहे हैं ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੁਦਰ ਹੋਣਾ ਆ ਸਕੰਦਰ ਕੁਦਰ ਹੋਣਾ ਆ
सारे नाल बड़ी अच्छी सलाम दुआया वेरी नाइस असने जो बुजुर्ग है ना वो बड़ा अच्छों की याद करना उन्हें ना सा चीड़ा कपड़े थे आरी कचने उन्हें सो आरी चिकने सो तो मुड़ी है रुट्टी इतना अच्छे खाने मिले ना बड़ी मेहनत की है लेकिन अल्लाह तला जरा ना वो भाई मुख्तार और सी फैमिली के ऐसे बंदे हर बंदे की हेल्प सपोर्ट करने मदद करने अल्लाह जी अल्लाह का दुआ अल्लाह का दुआ की है वरना जी दिते में कौन सान जाए तो कुछ नहीं कम अपना फिर हाथ पर निकलना या कुछ दुख ना दे और बच्चे तो सुने माशाल्लाह सारे जड़े ना मैं उतना गया ना अम्मी अब्बा भी गए इतना वैली स्ट्रीम आने से उतना अच्छो उसका ग्रुप लेने रहने से इश्तिहाक उन्होंने कार असा गए स्ट्रीम उतना खाधी है फिर बड़ी बड़ी गपशप हुई है भाई मुख्तार होना नाड़ी बड़ी पुरानी सलाम दुआ असा तैयारी करते हो मैं इतना सिटी में कम करना है वो भी है अपना उन्होंने पहले तो उन्होंने और बनाई देने और भी बड़ी सोहनी दुकान कोल ही है हाँ उस ने कोल है तकरीबन कोई त्रै चार ब्लाक अगे है ये अगला ना पापा ना तो आपको जो चुना तो क्या होने में तो क्या आप हाँ जो भी ना ये मैं तो क्या नाम है जिन्हें बोला अच्छा मैं जो पूरी ये जरूरत है मेरा जो सब है पूरी सीनियर है पूरी जो ऐसे सात मंजिल है मेरे काम है सात मंजिल की मैं पूरी ये जरूरत बना रहा हूँ मैं यूज़ करने बनने के लिए क्या महसूस कर रहे हैं ठीक है कि अमरीका ठीक है अमरीका भी तुम ठीक है तो सारा इतना ठीक है सारा असल में बुजुर्ग आए हुए कार है ना अम्मी अब आए हुए कार वो इतना नहीं पसंद करना है जिते जरा ना कोई ना कोई बंदा अच्छा ना कोई हूँ इतना सवेर होनी है ना तो मेला लगना है शामी थोड़ी बंदे इन्हें जंगल कम कि इे प्यारा लगना ये चंगा लगना है तुम्हें बच्चे पालिया रोजी कमाई इतना आराम नहीं कमाई क्यों नहीं अपनी लाल कमाई उसे नस्सी लाया ना उसे नस्सी ला के तुम्हें लाज जी है वो लोग याद करने अज ये चोई ना यूनियन कौंसल पूरी रख ला बंदे उनकी यादता करने कि उन्होंने अच्छे काम करने और अच्छाई बच्चे अपना उन्होंने ना पैदा किया बस अल्लाह के ये दुआ के जे दिते नहीं ना आसान ध्यान जा फिर सही है उसे बंदे तकलीफ ना तकलीफ ना दे बस सब ग्राह बुरा आया कर जो रहना बंदा उस जगह तकलीफ जा जरूरी एक उसे बुझे इसी बंदा से तो गरीबे रगन ही गए ये ना अल्लाह भला करे उस लिए जगह नहीं चंगे रे मैंने मुड़े माशाल्लाह सारे ये मार्केट देखी ये सुनी ये बुलिए बुलिए दुकान तो सुनी जब स्कूल भी था कुछ बनाया स्कूल इतना चलिया है ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸਕੂਲ ਆਣੇ ਉਧਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸਾ ਅਸਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਾਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ये वाला प्याज नहीं था कि हमने हां ये रात ने थोड़ी ये सारा प्याज प्याज का पाइप सहार और नहीं का ये कार ना ये शीशा ना था वो बहुत चुकी तो बोले वो सब लाई है वो खुद लाई है पाइप सहार और वो कार में के भूली हो जी सर अल्लाह थाने कैसे बड़े हाल है माशाल्लाह सुनी रोज भी अच्छी है बड़ा जी उन्होंने बेहतरी बहुत कम करी इस बहुत ज्यादा जरा करी दे ना सिर्फ ये जरा ना इस लोकल रोड पर बल्कि वो जी मेन राज जी है उसकी मतलब है जो मीरपुर रोड ना काफी काफी ज्यादा कम है इधर मीरपुर ना उधर कोटी रोड का नाथ प्लस मीरपुर रोड ऊपर जो बड़े मोड़ से वो बनते हुए जी हां बजरी पे ही है वो ठीक है हां वो ठीक है
जनाब ये नगीना आया रेस होनी है ना उस विच ए जाने ना अपना अपना जो हिस्सा पाने और बड़ा बुजुर्गों का शौक है और सारे असा भी शौक है असा कल्चर है वही है लोकल कल्चर है वही है मैं नादर मूवी वाले ने शुक्रिया अदा करना वो भी चलो इस च अपनी वीडियो शीडियो बना वेरी नाइस हाजरी तो यह उम्मीद करने कि पसंद आई इसी वीडियो भी और जनाब इस अपना अपने व्यू भी देखो कुकिया हमारी देसी कुकड़ियाँ वो भी देसी कोड़ी जो ना कौन गया है नाल उधर बड़ी खूबसूरत है इसकी जनाब वेरी नाइस असल जरा मंजा की है ये मोल चाहिए है इस मोल मस्जिद है पड़कासी मस्जिद है बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये जनाब वेरी नाइस एरिया और बड़ा दिल खुश हो इस इलाके च अच्छी ने जनाब अमन स्कूल है सोना अपना मोल है ना सारे